दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया ध्यान दीजिए, 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस नागपुर भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। दोस्तों, ये सुरीली सी आवाज तो आप सबने सुनी ही होगी। आप जब भी भारतीय रेल से ट्रैवल करने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो आपको सबसे पहले इस तरह की आवाज जरूर सुनाई दी होगी। ये आवाज भारतीय रेलवे में कई सालों से ट्रेनों के आने जाने की जानकारी यात्रियों को बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहाँ ये आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, इस स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज वायो में। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे जहां किसी भी प्रकार की पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होता। इस स्टेशन पर यात्री खामोशी के साथ सफर करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, जब आप भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचते हैं तो यात्रियों के शोर और ट्रेन के हॉर्न की आवाज के साथ साथ आपको पब्लिक अनाउंसमेंट की आवाज भी सुनाई देती है जो कहती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। और इस अनाउंसमेंट को सुन के आपको स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की जानकारी मिल जाती है। लेकिन चेन्नई सेंट्रल स्टेशन भारत का ऐसा इकलौता रेलवे स्टेशन है जहां आपको ये अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देगी। 150 साल पुराने इस स्टेशन पर पब्लिक अनाउंसमेंट का सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2023 से इस स्टेशन पर सभी प्रकार के लाउड स्पीकर और अनाउंसमेंट बंद कर दिए गए हैं। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन ऐसा करने वाला भारत का पहला स्टेशन बन गया है जिसे अब लोग साइलेंट रेलवे स्टेशन के नाम से भी बुलाने लगे हैं। 2023 साल के फरवरी के आखिरी रविवार को साउथ रेलवे के जनरल मैनेजर द्वारा जारी किए गए एक आदेश के बाद चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। आपको बता दें कि सिर्फ पब्लिक अनाउंसमेंट और लाउड स्पीकर ही बंद नहीं हुए बल्कि टीवी स्क्रीन पर चलने वाले वीडियो और विज्ञापनों की आवाज भी बंद कर दी गई है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो ये स्टेशन पूरी तरह से साइलेंट हो गया है। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि देश के हर रेलवे स्टेशन पर पब्लिक अनाउंसमेंट और लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, तो आखिर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सारे लाउड स्पीकर क्यों हटा दिए गए? इसका कारण ये था कि यहाँ आने वाले यात्री अक्सर शिकायत करते थे कि कई ऑडियो अनाउंसमेंट और लाउड स्पीकर की वजह से उनको बोर्डिंग करने और उतरने में परेशानी हो रही थी। स्टेशन के अंदर खाना और अन्य सामान बेचने वाले दुकानदारों को भी लाउड स्पीकर की वजह से परेशानी हो रही थी। इन शिकायतों के बाद साउथ रेलवे के बोर्ड मेंबर्स ने फैसला किया कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का एयरपोर्ट के आधार पर रीडेवलपमेंट किया जाएगा। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अब एयरपोर्ट की तरह इंक्वायरी के लिए बड़े बड़े LED स्क्रीन बोर्ड लगाए गए हैं। एयरपोर्ट से प्रेरणा लेते हुए इस स्टेशन पर पूछताछ के लिए इंक्वायरी बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस स्टेशन से ट्रैवल करने वाले यात्री अब खामोशी के साथ सफर कर रहे हैं। अब यात्री यात्रा करने से पहले स्टेशन पर लगे बड़े बड़े LED स्क्रीन बोर्ड का सहारा लेते हैं। वे अपनी ट्रेन का समय और प्लेटफॉर्म नंबर का पता लगाने के लिए या तो स्क्रीन बोर्ड चेक करते हैं या फिर पूछताछ के लिए बनाए गए इंक्वायरी बूथों की मदद लेते हैं। दोस्तों, चेन्नई सेंट्रल साउथ इंडिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन एक बहुत ही बड़ा और भारत के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ से रोजाना करीब 400 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। आपको बता दें कि हर रोज करीब 5,00,000 यात्री इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। इतने व्यस्त रेलवे स्टेशन को बिना अनाउंसमेंट सिस्टम के हैंडल कर पाना अपने आप में एक बहुत ही चुनौती वाला काम है। इस स्टेशन की बनावट भी बहुत शानदार है और यहाँ से आपको भारत के हर हिस्से के लिए कोई न कोई ट्रेन मिल ही जाएगी। दोस्तों, इस स्टेशन पर कुल 17 प्लेटफॉर्म है और 17 में से 5 प्लेटफॉर्म से केवल सब अर्बन यानी लोकल ट्रेनें ही चलती हैं। आपको बता दें कि पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम सिर्फ लॉन्ग रूट की ट्रेनों के लिए ही बंद किया गया है, ये लोकल ट्रेनों के लिए बंद नहीं हुआ है। लोकल ट्रेनों के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम अभी भी जारी है। दोस्तों, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में एंट्री करने के लिए 3 एंट्री पॉइंट है, MTC बस स्टॉप, सब अर्बन टर्मिनस और वॉल टैक्स रोड।
साउथ रेलवे के जनरल मैनेजर का कहना है कि इन तीनों एंट्री पॉइंट पर बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है और इन डिजिटल स्क्रीन में तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान की पूरी डिटेल्स दिखाई गई है। स्टेशन के कॉन्कोर्स एरिया को 60 इंच के डिजिटल बोर्ड से कवर किया गया है। डिसेबल लोगों की सहायता के लिए स्टेशन के मेन एंट्री गेट पर ब्रेल नेविगेशन मैप और साइन लैंग्वेज वीडियो की सुविधा भी दी गई है। दोस्तों, ब्रेल नेविगेशन मैप नेत्रहीन यात्रियों को नेविगेट करने में मदद करता है। इस मैप की सहायता से वे टिकट काउंटर, इंक्वायरी बूथ और शौचालय तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस मैप का साइज 3x3 फीट है। साइन लैंग्वेज वीडियो उन लोगों को मदद करता है जो बहरे होते हैं या फिर कम सुन पाते हैं। हालांकि ये कदम प्रैक्टिकल बेसिस पर लिया गया है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम हटाने का ये कदम देश में अपनी तरह का पहला परीक्षण है। एक आदेश में रेलवे अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी विजुअल डिस्प्ले बोर्ड काम करने की स्थिति में होने चाहिए और पूछताछ केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारी तैनात रहने चाहिए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यहां आने वाले यात्रियों के एक्सपीरियंस और फीडबैक के आधार पर इन सुविधाओं में कई अतिरिक्त सुधार भी किए गए हैं। पूछताछ काउंटर भी बढ़ाए गए हैं और एंट्री से लेकर एग्जिट पॉइंट तक खास इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों, रेलवे अधिकारियों द्वारा समय समय पर यहां आने वाले यात्रियों से फीडबैक भी लिया जाता है। फीडबैक के अनुसार इस साइलेंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। रेलवे प्रशासन का ये काम सभी यात्रियों को रास नहीं आ रहा है। कुछ यात्री इस नए प्रयोग को लेकर काफी खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ काफी लोगों को इस प्रयोग से परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। स्टेशन के अंदर खाना और अन्य सामान बेचने वाले दुकानदारों को लाउडस्पीकर हटाने के बाद काफी शांतिपूर्ण अनुभव हुआ है। अनाउंसमेंट सिस्टम हटाने से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो पढ़ नहीं पाते, जिनकी दूर की नज़र कमजोर है या फिर जो लोग नेत्रहीन होते हैं। ये डिस्प्ले सिस्टम उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। पहले का अनाउंसमेंट सिस्टम लोगों को चलते फिरते ही ट्रेनों की जानकारी दे दिया करता था, लेकिन अब यात्रियों को ट्रेन की जानकारी लेने के लिए आसपास के साइन बोर्ड पर कई देर तक नजर गड़ानी पड़ती है। कुछ लोगों को बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में काफी कठिनाई हो रही है। जो यात्री जल्दी में होते हैं वे भी इस डिस्प्ले सिस्टम से परेशान हैं, क्योंकि उन्हें छोटी सी जानकारी पाने के लिए डिस्प्ले स्क्रीन पर कई देर तक रुकना पड़ता है। भले ही विकलांगों की सहायता के लिए मेन एंट्री गेट पर ब्रेल नेविगेशन मैप लगाया गया है, लेकिन फिर भी ये मैप पर्याप्त नहीं है। ब्रेल नेविगेशन मैप पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम की बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि यात्रियों के फीडबैक और शिकायतों के बाद साउथ रेलवे ने 6 मार्च से चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर फिर से अनाउंसमेंट चालू कर दिया, लेकिन नई अनाउंसमेंट पुरानी अनाउंसमेंट की तुलना में बहुत शांत हो गई है। अभी पहले की तुलना में अनाउंसमेंट कम कर दी गई है। दोस्तों, अगर आप लोग हाल ही में चेन्नई स्टेशन पर गए हैं तो कॉमेंट करके अपना अनुभव जरूर शेयर करें। नया अनाउंसमेंट सिस्टम पहले से कितना बदल गया है कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस साइलेंट रेलवे स्टेशन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।